हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उपासना और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और आज मैं जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो है सिंपल हेयर ग्रोथ टिप्स या सिंपल हेयर रीग्रोथ टिप्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के समय में हम सभी को ये हेयर फॉल प्रॉब्लम हो रही है, चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो या यंग एज के हो, सभी में ये प्रॉब्लम मिल जाती है। देखते हैं कि हम इस हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अनियन जूस लगा करके देख सकते हैं, सबसे बेस्ट होम रेमेडी है अनियन जूस। आप अपने बालों में अनियन जूस लगा करके हेयर फॉल को ये बहुत ही हेल्पफुल रेमेडी है। इससे आपकी हेयर फॉल एक या दो दिन में ही आपको फर्क पता चल जाएगा कि आपके हेयर फॉल में कमी हो गई है। दूसरा, आप एलोवेरा जेल लगा करके सो सकते हो। अगर आप हेयर मास्क नहीं बनाना चाहते तो आप सिर्फ एलोवेरा जेल को भी अपने बालों में अप्लाई करके सो सकते हो और सुबह किसी अच्छे शैम्पू से वॉश कर लो, उससे भी आपकी हेयर फॉल में कंट्रोल होती है। थर्ड, आप कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हो। आप कोई भी कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हो, कैस्टर ऑयल बेस्ट होता है हेयर फॉल के लिए, हेयर रीग्रोथ के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए। अगर आपके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं तो आप कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हो। आप कैस्टर ऑयल अगर नहीं लगाना चाहते हो क्योंकि वो कैस्टर ऑयल बहुत ज्यादा थिक होती है और वो शैम्पू करने के बाद भी मुश्किल से ही निकलती है, तो आप उस कैस्टर ऑयल के साथ बहुत सारी ऑयल मिक्स करके एक मिक्सचर बना सकते हो और उसको आप लगा सकते हो। जैसे आप कोकोनट ऑयल मिला लो, कैस्टर ऑयल हो गया, और विटामिन ई ऑयल आप कैप्सूल डाल सकते हो या विटामिन ई ऑयल मिलती भी है अलग से, वो लगा सकते हो। आप आलमंड ऑयल लगा सकते हो, उसमें सब मिला करके आप मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना सकते हो और उसको आप रात में अप्लाई करके सो जाओ। आप सुबह अच्छी शैम्पू से वॉश कर लो, फिर भी आपके बालों में जान आएगी और हेयर फॉल आपके कंट्रोल होंगे, रूट स्ट्रांग होंगे, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक हेयर मास्क बताया है, आप वो भी लगा सकते हो और आप वो भी यूज कर सकते हो। इससे भी आपके हेयर फॉल में कमी आएगी और आपके बाल अच्छे होंगे और आपके बाल रीग्रोथ होंगे। फोर्थ, आप कलौंजी हेयर ऑयल भी बना करके लगा सकते हो, इससे भी आपकी हेयर फॉल में बहुत ज्यादा कमी आएगी, आपके बाल रीग्रोथ होंगे और कलौंजी से हमारे बालों में एक अलग सी शाइन ऐड हो जाती है, तो आप ये भी ऑयल लगा सकते हो। मैं कलौंजी ऑयल कैसे बनाते हैं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए, और जाने से पहले, सेव ट्री, सेव वाटर, सेव एनवायरमेंट। थैंक यू।